कुछ लोगों को लगता है कि स्टूडेंट्स की एक क्लास को पढ़ाना बहुत आसान काम होता है, लेकिन ये उनकी सोच से ज्यादा मुश्किल काम है। इसके लिए ना सिर्फ आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि स्टूडेंट्स के एक बड़े ग्रुप को संभालने के लिए और भी कई तरह का हुनर आना चाहिए। और ऐसे अलग अलग हुनर की तब और ज्यादा जरूरत पड़ जाती है जब सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग ना हो। जब आप में नई टीचिंग स्किल्स होती है तब ये आपके लिए आसान हो जाता है। शिक्षण एक कला है, इसके लिए बहुत धैर्य, सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ और सबसे जरूरी सही तरीके से उस ज्ञान को स्टूडेंट्स को दे पाने की कला की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी टीचिंग स्किल्स है जिसे ध्यान में रखकर आप अपनी टीचिंग एबिलिटी को और भी अच्छा बना सकते हैं। हम आपको ऐसे आसान तरीके बताएंगे जिससे आप अपने स्टूडेंट्स के फेवरेट टीचर बन सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि टीचिंग के लिए स्किल्स की जरूरत क्यों है। किसी भी काम को करने के लिए हुनर की जरूरत होती है। अगर आप में एक्स्ट्रा टैलेंट है तो आप अपने काम को बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हर फील्ड में इस एक्स्ट्रा टैलेंट की जरूरत होती है जिसे स्किल कहा जाता है। इसी तरह टीचिंग के फील्ड में भी स्किल्स की जरूरत होती है। आपके पास जितना ज्यादा हुनर होगा, आपके पढ़ाने के तरीके में जितना ज्यादा नयापन होगा, स्टूडेंट्स उतना ज्यादा आपको पसंद करेंगे और सीखने के इच्छुक होंगे। और अब जानते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप में टीचिंग स्किल्स का विकास होता है। सबसे पहला है कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग। टीचिंग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है कम्युनिकेशन। ये किसी भी तरह का हो सकता है, लिखकर, बोलकर या चिन्हों के जरिए टीचर को अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना होता है ताकि आसानी से स्टूडेंट्स को उनकी बात समझ में आ जाए। इसके साथ ही काबिल टीचर उसे कहा जाता है जो अपने स्टूडेंट्स की समस्याओं को समझे और उसे सुलझाने में उसकी मदद करे, चाहे वो समस्या व्यक्तिगत हो या पढ़ाई से जुड़ी हो। दूसरे नंबर पर आता है आत्मविश्वास से भरा होना। एक टीचर को हमेशा आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। उसे हमेशा शांत और प्रोफेशनल दिखना चाहिए, चाहे वो कितना भी थका और परेशान क्यों ना हो, क्योंकि एक टीचर की पर्सनैलिटी की छाप ही उसके स्टूडेंट पर पड़ती है। एक आत्मविश्वास से भरा टीचर ही सेल्फ कॉन्फिडेंट स्टूडेंट तैयार कर सकता है। आगे नंबर 3 पर है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना और फीडबैक देना। टीचर को चाहिए कि वो समय समय पर अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करे। अब मोटिवेट करने में 2 चीजें शामिल है, एक तो किसी भी काम के लिए प्रोत्साहित करना कि तुम ये काम कर सकते हो, और किसी भी काम में कुछ कमी रह गई हो तो गाइड करना और बताना कि कहां पर क्या कमी है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है ताकि आगे से गलती न हो। ये दोनों ही चीजें मोटिवेशन में शामिल है। स्टूडेंट के हर क्रिएटिव काम के लिए उसे फीडबैक देना चाहिए, चाहे वो काम सही हो या गलत हो। इससे स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं ज्यादा बेहतर काम करने के लिए। नंबर 4 पर आता है अपने विषय में मास्टर बने। आप जिस भी विषय के टीचर है उसमें आपको इतनी गहरी नॉलेज होनी चाहिए कि आप बहुत ही आसानी से किसी को भी वो विषय समझा सके। और जब तक आपको डीप नॉलेज नहीं होगी तब तक आप सामने वाले को भी कुछ नहीं समझा पाएंगे। आप ये मानकर चलिए कि सामने जो स्टूडेंट बैठा है उसे इस विषय की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अब आप शुरुआत से समझाना शुरू करें और वो भी उदाहरण के साथ। इससे स्टूडेंट की उस विषय में रुचि बढ़ेगी जिससे वो सवाल करेगा, और सवाल करने से आपके नॉलेज का भी विस्तार होगा। पढ़ाई आदान प्रदान की चीज है और आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जैसे ही एक स्टूडेंट अपने टीचर से कुछ नया सीखता है वैसे ही एक टीचर भी रोज अपने स्टूडेंट से कुछ नया सीखता है। नंबर 5 पर है अपने आप को अपडेट रखें। आज की डेट में टीचर्स को अपने आप को अप टू डेट रखना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी के युग में अपने स्टूडेंट्स को नई नई जानकारियों से रूबरू कराने के लिए ये जरूरी है कि पहले टीचर खुद टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ले और फिर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए। ये भी टीचिंग स्किल्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, खास करके इस टाइम में। तो नए विचारों और उदाहरण के साथ पढ़ाना भी अप टू डेट रहने का ही एक तरीका है। नंबर 6 पर आता है नियमों की कड़ाई जरूर रखें। स्टूडेंट के साथ दयालु और कोमल बनकर स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर बनना एक जाल है। टीचर को नरम के साथ कठोर भी होना चाहिए। जहां स्टूडेंट्स आपकी दयालुता का लाभ उठाने लगे वहीं पर संभल जाना चाहिए और नियमों की अनदेखी होने पर कड़ाई से काम लेना चाहिए। नंबर 7 पर आता है बिना भेदभाव के सभी से समान व्यवहार करें। कभी अपने किसी भी स्टूडेंट को ये महसूस न होने दे कि उसके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है या भेदभाव हो रहा है। एक स्टूडेंट को हमेशा ये लगना चाहिए कि उसके टीचर उसके साथ बाकी स्टूडेंट की तरह ही समान बिहेव कर रहे हैं, ताकि वो अपनी पढ़ाई पर और भी अच्छे से ध्यान दे सके, उसका ध्यान ऐसी सारी वेस्ट बातों पर न जाए।
नंबर 8 पर आता है स्टूडेंट्स में सेल्फ एस्टीम पैदा करना। ये टीचर का ही काम है कि वो अपने स्टूडेंट के अंदर हीन भावना को बाहर निकाले और उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करे। स्कूल या कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट्स कई बार खुद को लेकर के श्योर नहीं होते हैं कि वो आगे कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, फिर उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है या नहीं। ऐसे वक्त में टीचर का ये काम है कि वो जीवन के ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उदाहरण देकर उन्हें समझाए और पर्सनैलिटी डेवलप करने में उनकी हेल्प करे। और अंत में हम यही कहेंगे कि ज्ञान प्रदान करने और जीवन को आकार देने के विशेषाधिकार का आनंद ले। जब आप खुद को एक शिक्षक के रूप में देखेंगे और आप सोचेंगे कि आपके जरिए देश के जिम्मेदार और समझदार नागरिक तैयार हो रहे हैं, तो आपको अपने काम पर गर्व होगा। एक शिक्षक के रूप में आप अपने हर स्टूडेंट के दूसरे माता पिता हैं जो शिक्षा के माध्यम से उन्हें सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है जिसे आपको बहुत प्यार से संभालना है और अपने कौशल से इसे निखारते रहना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके इससे संबंधित कोई और सवाल है जो आप हमें पूछना चाहते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। और आगे भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो रूबी की मुलाकात होगी अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।